गेमर्स, माय नेम इज वेबो, वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट ज़ू। इन द लास्ट एपिसोड आपको याद होगा हम लोग हमारे ज़ू के अंदर एक मोनो रेल को लेके आए थे, जहाँ पे भी जो हमारे ज़ू के अंदर गेस्ट आते हैं वो उस मोनो रेल का यूज करके यहाँ पे ट्रैवल करते। फॉर एग्जांपल अभी देखो ये लोग यहाँ पे इस मोनो रेल के अंदर बैठ चुके हैं। अभी ये मोनो रेल यहाँ से धीरे धीरे आगे दौड़ना शुरू कर देगी और इनको ये लोग यहाँ से पूरा राइड दिया जाएगा चक्कर हमारे ज़ू का। बट इस मोनो रेल का एक डिसएडवांटेज ये है कि इस मोनो रेल की वजह से मेरा गेम अभी बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। ये ट्रेन यहाँ से आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? वेट, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर के अंदर आग लगी है। अरे भाई, मुझे यहाँ पे जल्दी से मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा इसको रिपेयर करने के लिए। वैसे यहाँ पे मैंने मैकेनिक को ऑलरेडी बुला रखा है, भाई वापस से बुलाते। आई थिंक सबसे पहले मुझे इसको वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा। हाँ भाई, वो एक बहुत बड़ा लफड़ा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च कम्प्लीट हो गया, अभी काम करते हैं। हमको स्टाफ में आना पड़ेगा, वर्क जोन में आना पड़ेगा एंड इसको अफ्रीकन थीम में भी ऐड करते हैं, तब जाके ये लोग इसको रिपेयर करेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, इसको भी मैंने वर्क जोन के अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आई थिंक मैकेनिक आके इसको रिपेयर कर देगा, तब तक तुम लोग को इधर ही वेट करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी गाइज। एंड वैसे भी गेमर्स, आपने वैसे आज टाइटल देख लिया होगा, आज हम हमारे ज़ू के अंदर एक ऑस्ट्रिच को लेके आने वाला है, क्योंकि मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज करा था कि भाई प्लीज़ आपके ज़ू में आपको ऑस्ट्रिच लेके आना चाहिए, मतलब आप लेके आ सकते हो। सो दैट्स व्हाई आज के एपिसोड में हम ऑस्ट्रिच लेके आने वाले। डेंजरस फाइटिंग ड्यू टू, कहाँ पे फाइटिंग हो रही है? मुझे लगा ही था इधर फाइटिंग चल रही होगी। ये लायंस ना भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, दैट्स वाई इनके बीच में भी लड़ाइयाँ चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से एनिमल्स को ना बेच ही देते हैं। अभी इसको, ये वैसे आउटसाइडर है तो इसको रिलीज टू वाइल करते, देखते कितने क्रेडिट्स मिलते हैं। खाली 50? नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, इसको मैं बेच दूंगा। वैसे इसका नाम क्या है? बादरू नाम है इसका। तो अभी इसको आते हैं यहाँ पे एनिमल्स में और यहाँ से ना इसको हम बेच देंगे। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स भी हो चुके हैं, ये स्कॉर्पियंस वगैरह, इनको भी बेच देते हैं रंगे हाथ। बादरू को अगर यहाँ से बेचा तो कितने पैसे मिलेंगे? ओ, $11,000। ये स्कॉर्पियंस की कुछ 2,000 होंगे इसके अंदर, आई टेक इट। तो अभी ये यहाँ से लाइन चला जाएगा। तो यही यहाँ पे लड़ाई कर रहा था एंड एक और लड़ाई कर रहा है। कितने लड़ाई कर रहे हैं भाई, मतलब जितने जो बच्चे थे ना वो सारे बड़े हो गए। ये भी यहाँ पे लड़ाई कर रहा है, इसको रिलीज ट्रायल किया तो भाई एटलीस्ट 200 तो दे दो। 603 क्रेडिट्स, आई टेक इट, थैंक यू सो मच। इसको भी यहाँ से भेज देते हैं। तो धीरे धीरे हम ऐसे करके जितने भी बड़े लायंस हैं वो सारे लायंस को यहाँ से हम रिलीज टू वाइल्ड कर देंगे या भेज देंगे, ताकि इनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में रहेगी। एंड यहाँ पे भी 2-3 लायंस है इसका, या ये सिम्बा हमारा ठीक है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड वैसे ये भी शार्क का भी आउटसाइडर है, इसको रिलीज टू वाइल्ड कर दिया तो 478, आई टेक इट। तो मैंने 2-3 लाइन्स को यहाँ से रिलीज टू वाइल्ड कर दिया और मेरे पास टोटल 1500 क्रेडिट्स आ गए। तो आई थिंक अभी यहाँ पे इनकी लड़ाई भी नहीं होगी एंड एवरीथिंग विल बी ओके। एंड नाउ इसके बाद अभी हमको ऑस्ट्रिच हमारे ज़ू के अंदर लेके आना है, जैसा कि आज के वीडियो को हमने प्लान किया रखा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्लू प्रिंट्स डाउनलोड करे थे ऑफलाइन, तो यहाँ पे देखते हैं ऑस्ट्रिच का कौन सा ब्लू प्रिंट है। ये वाला ब्लू प्रिंट वैसे ऑस्ट्रिच का ही है, बट ये भी लॉक है। यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग्जिबिट 2000 में बन रहा है भाई, तो काफ़ी सस्ता है और बहुत छोटा सा भी है, एकदम कॉम्पैक्ट है। तो ये इधर बन जाएगा, बट यार इधर मेरे को एक वर्क जोन बनाना था। नहीं, इधर नहीं बनाते ऑस्ट्रिच का हैबिटेट। आई थिंक वी शुड मेक बन जा, ओ बन गया फाइनली गेमर्स, हमने ऑस्ट्रिच का जो हैबिटेट है उसको यहाँ पे बना दिया है। काफ़ी प्यारा सा और छोटा सा है ये। ओ एनिमल डाइड, भाई कौन सा एनिमल मर गया, कौन मर गया? ओ बफेलो की डेथ हो गई है, थीमा नाम था इसका, रेस्ट इन पीस थीमा, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अभी मैं यहाँ पे वेट को बुला देता हूँ। गाइज थीमा के लिए रेस्ट इन पीस लिख दो, वो मर चुकी है, उसकी डेथ हो गई है। वैसे भी मुझे ग्रेवयार्ड भी बनाना था इन एनिमल्स के लिए। भाई मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ बट भूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम डेफिनेटली, मैं कसम खाता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पे एक प्यारा सा हैबिटेट, मतलब ये ग्रेवयार्ड बनाएंगे हमारे जितने भी एनिमल्स की डेथ हुई है उन सारे एनिमल्स के लिए। और अभी बस मुझे सबसे पहले इसको लेके आना पड़ेगा भाई, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रिच को, क्योंकि उसका हैबिटेट तो हमने बना दिया। अभी मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा ऑस्ट्रिच मिलता भी है या नहीं। कॉमन ऑस्ट्रिच या है यहाँ पे, वेरी नाइस। तो ये कंजर्वेशन क्रेडिट वाला लेंगे हम, जो जिसका ज़्यादा यहाँ पे अपील का है ना उसको लेते हैं। यहाँ पे मैंने अपील से शॉर्ट कर दिया। सबसे महंगा वाला है 900 क्रेडिट्स में, इसको देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, बट 900 वाला नहीं, ये वाला करते हैं। ये एक मेल आ गया एंड एक फीमेल भी चाहिए मुझे। फीमेल भाई 600 में मिल रही है और ये वाइट कलर की फीमेल है, ओके तो लेते हैं। या थोड़ा सा महंगा रहेगा बट इट्स ऑल राइट, हमने अभी 2 ऑस्ट्रिच को अडॉप्ट कर लिया। तो भी इनको यहाँ से जल्दी से ना मैं सेंट टू ज़ू कर देता हूँ। सेंट टू ज़ू, अबे जाओ ज़ू में। ओ भाई यहाँ पे पैथ बनाना तो मैं भूल ही गया, एक सेकेंड, इट्स माय मिस्टेक। सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टाफ का पाथ बनाना पड़ेगा। तो स्टाफ किधर से आएगा भाई, स्टाफ का पाथ, अरे यार इधर से ही लेके आना पड़ेगा अभी मुझे। एक काम करते हैं, इधर से स्टाफ को लेके आते हैं, मतलब स्टाफ का पाथ बनाते हैं। तो हमारा स्टाफ इधर से आएगा,
सबसे पहले मुझे ना इधर एक वर्क जोन गाइस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको एक वर्क जोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यू नो बाकी के स्टाफ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही लोड आ रहा है। सो या हम लोग आज वर्क जोन भी बनाने की कोशिश करेंगे। अभी सबसे पहले ये स्टाफ का पाथ मैं यहाँ पे बना देता हूँ हमारे ऑस्टिच के लिए। मैंने यहाँ पे ये पैथ का कनेक्शन कर दिया है और मेरा गेम लैग हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस मोनो रेल। ये इसी रेल की वजह से भाई मेरा गेम बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है यार, मुझे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वैसे अभी तक मैंने इसको ऑफ कर रखा है बट स्टिल गेम लैग हो रहा है। अभी हमने पैथ कंप्लीट कर दिया है और यहाँ पे सेंटू जू कर देते हैं, तो इनकी अभी डिलीवरी यहाँ पे स्केड्यूल हो चुकी है। तो अभी मेरे ऑस्ट्रिच इधर आ जाएंगे, हमारा स्टाफ इनको यहाँ पे लेके। एंड वैसे भी आई थिंक ये ऑस्ट्रिच के लिए गाइस थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई बहुत छोटा हैबिटेट है। सबसे पहले मुझे उसका साइज़ देखना पड़ेगा कितना साइज़ है, एंड देन हम देखेंगे भाई ये यहाँ पे ये इनफ है या नहीं। एंड अभी यहाँ पे हमने ऑस्ट्रिच का हैबिटेट तो बना दिया है, तो अभी इधर लोगों के आने का हमको सिस्टम ही करना पड़ेगा, मतलब लोगों को देखने का एक सिस्टम होना चाहिए ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं कैसा पाथ बनाना चाहता हूँ। अगर ये वाला रोड इधर बनाया तो ब्रिज टाइप का कैसा रहेगा, ये यहाँ से ऊँचा नहीं, इधर से हमारा ब्रिज कुछ इस तरीके से सामने की तरफ आएगा जस्ट लाइक दिस ऐसा। एंड यहाँ से हम लोग एक ब्रिज बनाएंगे ऑस्ट्रिच के लिए, मतलब ये स्पेशली लोग इधर से आके ऑस्ट्रिच को देख सकते हैं। हो गया, मैंने भी यहाँ पे एक पैथ कंप्लीट कर दिया है ऑस्ट्रिच को देखने के लिए। तो लोग जो हमारे टाइगर को देखने के लिए आते हैं वो लोग सीधा इधर से ये ब्रिज का इस्तेमाल करके यहाँ पे आ सकते हैं ऑस्ट्रिच को देखने के लिए। और या फाइनली हमारा स्टाफ आ चुका है ऑस्ट्रिच को लेके, आई एम सो एक्साइटेड टू सी। आ गया भैया आ गया। ओ बहुत बड़ा है शुतुरमुर्ग, आई थिंक ये यहाँ से टाप के बाहर जा सकता है भाई, मुझे लग रहा है ये टाप के बाहर ना बाहर जा सकता है। बड़ी अच्छी बात है, फाइनली हमारा शुतुरमुर्ग आ चुका है और अभी हमको इनका देखना पड़ेगा यहाँ पे खुश है क्या। और भाई काफ़ी महंगा वाला ये शुतुरमुर्ग है, बट मुझे ना शक हो रहा है गाइस कि ये लोग ना यहाँ से टाप कैसे बाहर जा सकते हैं। और अभी हमको यहाँ पे ये वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, बट ये ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले एक नया वर्क जोन क्रिएट करना चाहता हूँ हमारे ये वाले थीम के लिए, क्योंकि यार इधर के लोगों को ना बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे एक नया वर्क जोन मैं बना देता हूँ। वैसे ये वाला वर्क जोन हमको किस थीम में बनाना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ऑस्ट्रेलियन पैक है, यहाँ से ना एक काम करते हैं DLC चूज़ करते हैं हमको कौन सा चाहिए थीम के हिसाब से, थीम में आते हैं। मे बी हमको यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलियन थीम का बनाना चाहिए, तो ऑस्ट्रेलियन थीम का देखो ये सारा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ना जो हमारा स्टाफ का जोन रहेगा ना वो ऑस्ट्रेलियन थीम के अनुसार रहेगा। तो ये आते हैं कंस्ट्रक्ट फैसिलिटीज़ में ऑस्ट्रेलिया, या तो ये आ गया ऑस्ट्रेलियन लार्ज एग्जिबिट नहीं, हमको यहाँ पे ये बनाने हैं हमारे क्या बोलते हैं उसको स्टाफ के रूम्स वगैरह, हाँ कीपर हट। भाई ऑस्ट्रेलियन थीम का कितना अलग है, वाव। तो या ये चीज़ हमको यहाँ पे बनानी है, तो सबसे पहले हमारा कीपर हट इधर बनेगा। इसका मुंह किधर है, आई मीन बाहर किधर से आएंगे लोग, भाई इधर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने एक हट बना दिया, देन हट के बाद हमको बनाना पड़ेगा एक स्मॉल हट। दो हट चलेगी क्या, बट इसका दरवाज़ा किधर है भाई, हाँ इधर दरवाज़ा आई थिंक। तो एक हट यहाँ पे रहेगा, लार्ज क्वारंटीन भाई ये 10,000 में बन रहा है भाई, काफ़ी महंगा ही है, बट आई थिंक वी शुड मेक इट या सस्ता वाला बनाते हैं 5,000 में बन रहा है, या स्मॉल क्वारंटीन बनाते हैं बाद में बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़े से पैसे भी कम है। तो ये मैंने छोटा सा क्वारंटीन बना दिया ऑस्ट्रेलियन थीम का। वैसे अलग अलग थीम के मुझे यहाँ पे ना बनाने चाहिए, और मुझे किसी ने सजेस्ट भी करा था। देन उसके बाद एक रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर फिर इधर बनेगा, ये लार्ज वाला है क्या, स्मॉल वाला बनाते नहीं लार्ज, हाँ रिसर्च सेंटर लार्ज ही बनाते। तो ये रिसर्च सेंटर भी मैंने यहाँ पे बना दिया। देन उसके बाद एक शॉप है, शॉप की तो ज़रूरत नहीं है आई थिंक, एक स्टाफ रूम भी हमको चाहिए होगा, और ये थोड़ा सा बड़ा स्टाफ रूम है। तो या बड़ा स्टाफ रूम हम इधर बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, इधर की तरफ एक स्टाफ रूम रहेगा। ओके एक स्टाफ रूम भी मैंने बना दिया। एंड देन एक टॉयलेट, टॉयलेट की ज़रूरत नहीं है अभी तो नहीं है, बाद में हम बनाएंगे। देन एक ट्रेड सेंटर, या ट्रेड सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेड सेंटर हम यहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे छोटा सा बिल्डिंग था इसके साइड में, यहाँ पे बनाते हैं, एकदम बढ़िया जगह है। तो एक मैंने ट्रेड सेंटर भी यहाँ पे बना दिया। और क्या क्या होता है, सर्जरी शॉप, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो सर्जरी शॉप इधर बनेगा जस्ट इसके साइड में। ओके भाई मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी, और लगभग मेरे पास अभी $60,000 ही बचे हैं, बहुत कम, मतलब बहुत सारे पैसे मैंने खर्च कर दिए। एंड अभी आखिरी वर्कशॉप, हाँ वर्कशॉप इम्पॉर्टेंट है। वैसे बिग वर्कशॉप होता है क्या, नहीं छोटा ही होता है, तो वर्कशॉप हम दो लगाएंगे क्योंकि भाई काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है। एक वर्कशॉप यहाँ पर रहेगा एंड एक इसके साइड में, इसी यहीं पे लगाते, एक यहाँ पे रहेगा। तो लगभग गाइज अभी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बना दी, एक नया वर्क जोन हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे एक नया वर्क जोन ऐड करेंगे, मतलब एक स्पेशली नया ही बनाएंगे। तो ये आते हैं वर्क जोन में, क्रिएट न्यू वर्क जोन, या ये मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वर्क जोन क्रिएट कर दिया, और ऑस्ट्रेलियन वर्क जोन के अंदर ये सारी बिल्डिंग्स को ऐड कर देते हैं।
ये मैंने सारे बिल्डिंग्स को ऑस्ट्रेलियन वर्क जोन के अंदर ऐड कर दिया है, उसको मैंने नाम भी दे दिया ऑस्ट्रेलियन वर्क जोन। उसके अंदर टोटल 10 बिल्डिंग्स है, 0 हैबिटेट। हैबिटेट अभी हैबिटेट को ऐड करना पड़ेगा, तो हैबिटेट हमारा ये वाला हैबिटेट रहेगा। एंड इधर का जो इसका भी हैबिटेट है ना, क्या बोलते हैं, गोरिला का हैबिटेट, वो भी इसी का वर्क जोन हैंडल करेगा, मतलब इनके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। एंड जो हमारे टाइगर का है वो भी यही लोग हैंडल करेंगे, मतलब पास में ही है। तो या मैंने अभी 2-3 हैबिटेट इसके अंदर ऐड कर दिए, और हमारा इधर का ऑस्ट्रिच का इसके अंदर रहेगा। तो मैंने टोटल इसके अंदर 3 हैबिटेट ऐड कर दिए। अभी थोड़े से वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा, मतलब स्टाफ को। तो स्टाफ के लिए एक केयर टेकर होना चाहिए, देन उसके बाद होना चाहिए हमारे पास एक कीपर, कीपर दो होने चाहिए, या दो कीपर। थोड़ा सा खर्चा होगा अभी, बट वी नीड इट। और दो मैकेनिक भी होने चाहिए, देन एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, उसके बाद एक वेंडर होना चाहिए, एंड वेटेरियन दो होने चाहिए, मतलब जब भी एनिमल बीमार पड़ते हैं उनकी केयर करने के लिए। एंड आखिरी एक एजुकेटर होना चाहिए। तो लगभग मैंने एक पूरी फौज यहाँ पे खड़ी कर दी है। एंड अभी मुझे सारे बंदों को नए वर्क जोन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, हमारे ऑस्ट्रेलियन जोन के वर्क जोन के अंदर। तो इनको एक साथ ऐड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन वर्क जोन, या एक साथ मैंने सारों को हायर, मतलब सभी लोगों को हायर कर दिया। एंड नाउ स्टार्ट द गेम। बहुत बहुत सारे पैसे खर्च होने वाले गाइस मेरे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अभी खर्च करी है, बट इट्स ऑल राइट। अभी यू नो इसकी ज़रूरत थी। तो हमारा अभी यहाँ पे नया वर्क जोन क्रिएट हो चुका है, और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें लगा दूँ। सबसे पहले काम करते हैं, थोड़ा सा गेम का स्पीड बढ़ाते हैं ताकि यहाँ पे सुबह हो जाए, क्योंकि यार अंदर में कुछ भी दिखता नहीं है। एंड जो हमने यहाँ पे ऑस्ट्रिच को पाला था वो क्या कर रहा है, लेट मी चेक, वो कहीं उड़ के बाहर तो नहीं चला गया ना? नहीं, वो अभी यहाँ पे खुश है। एंड डेफिनेटली इनको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आने वाले, अब तक तो वैसे कोई आया नहीं है। आओ भाई, अभी काफ़ी सारे लोग ऊपर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही ऊपर आओ, हमारे ऑस्ट्रिच को देखो। बस ऑस्ट्रिच भैया इधर से उड़ी मार के बाहर मत जाना यार। वैसे ये काफ़ी खुश लग रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, देखने में भी काफ़ी वियर्ड सा है ऑस्ट्रिच। बस मैंने नॉर्मली ब्लैक ऑस्ट्रिच को देखा है, वो भी टीवी में। मैंने भाई रियल में कभी ऑस्ट्रिच को देखा नहीं है, ना मैं कभी रियल लाइफ में जू में गया हूँ। मैं तो भाई खुद से यहाँ पे अपना प्राइवेट हम लोग जू चला रहे हैं। एंड हमारा नया वर्क जोन कैसे काम कर रहा है, एक सेकंड, ये नए वर्क जोन का रोड इधर सबसे पहले कनेक्ट करते हैं ना भाई, दूसरे यहाँ पे उनको आने में थोड़ा सा ईजी होगा। ओके, रोड के कनेक्शन कर दिए मैंने, और इधर की इधर भी आई थिंक हम बना सकते हैं एक रोड, इधर एक बनाते हैं, इधर से भी लोग इस तरफ जा सकते हैं। ओके, थोड़े से मैंने रोड के कनेक्शंस कर दिए। तो अभी ये वाला एरिया थोड़ा सा मुझे ना डेकोरेट करना चाहिए, बट अभी पैसे की थोड़ी कमी है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा हम यू नो अभी संभाल के पैसों को थोड़ा सा यूज़ करेंगे। बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन थीम का कुछ है क्या डेकोरेशन के लिए, वो एक बार चेक करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन थीम यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सीनरी है, कितने में बन रही है, $1,000 में। तो यार ये सीनरी यहाँ पे फिर हमको बनानी चाहिए, ये वर्क जोन के इधर बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ऑस्ट्रेलियन सीनरी लगा दिए, ऑस्ट्रेलियन जितनी भी चीज़ें रहेगी डेकोरेशन के लिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लगाएंगे। थोड़े से ट्रीज़ भी होने चाहिए ये वाले, तो ये वाले ट्रीज़ भी यहाँ पे लगाते हैं, एक इधर रहेगा एंड एक ट्री इधर भी लगाते हैं, इसके साइड में एक इधर रहेगा ऐसा। ओके, तो थोड़े से मैंने ट्रीज़ लगा दिए, अभी ये वर्क जोन देखने में भी बढ़िया लग रहा है। नाइस, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। और क्या क्या सीनरी है, ये भी सीनरी में आ रहा है, थोड़े से और पत्थर है। तो ये सीनरी फिर ये कितने बन रहा है, वैसे $300 में बन रहा है। तो एक काम करते हैं, ये इन पत्थरों को थोड़ा सा इस तरफ लगाते हैं। एक स्क्विरल भी है बहुत बड़ी, स्क्विरल यहाँ पे मैं इसे लगा सकते या इसको भी लोग वैसे देखने के लिए आएंगे फिर। वही बहुत प्यारा लग रहा है, अब तक का बेस्ट वर्क जोन है आई थिंक ये। इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया। तो आई थिंक मुझे हर एक वर्क जोन को ना ऐसे ही डेकोरेशन डेकोरेट करना चाहिए था, बट थोड़ा सा और कुछ है क्या डेकोरेशन के लिए, वो एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे मंकी डोम है, मंकी डोम तो मुझे नहीं बनाना, ये पाथ डेकोरेटर स्टाइल है। हाँ भाई ये भी सही है पाथ को डेकोरेट करने के लिए। तो काम करते हैं, इधर ऐसा पाथ में लगा है क्या फिर ऐसा। ओके, तो मैंने यहाँ पे पैथ भी कंप्लीट कर दिया स्टाफ के लिए, वही बढ़िया लग रहा है। तो अभी यहाँ पे स्टाफ ऐसा अंदर की तरफ आ सकता है, ये सिक्योरिटी गार्ड देखो यहाँ पे घूम रहा है गधा, अच्छी बात है। सो अभी हमारा वर्क जोन एकदम बढ़िया तरीके से एकदम लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, और एकदम प्रॉपर जगह भी बन गई। तो अभी इतना यहाँ पे अभी जितने भी हैबिटेट बनेंगे सारे यही वर्क जोन वाले यू नो हमारा यही वाला पूरा वर्क जोन इसको मैनेज करेगा। एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। एक बार देखते हैं हमारा गोरिल्ला क्या कर रहा है। गोरिल्ला, वैसे गोरिल्ले के बच्चे वगैरह हुए कि नहीं भाई, क्या कर रही है लोग बच्चे वगैरह पैदा। भाई बहुत कम गोरिल्ले है यहाँ पे, नहीं है ये बड़ा गोरिल्ला, इसको प्रॉब्लम, ये आउटसाइडर है, इसको रिलीज वायर करते हैं फिर थोड़ा सा। 333 भाई, काफ़ी सारे क्रेडिट्स मिल रही है यार, रिलीज वायर कर दिया। जितने भी आउटसाइडर होते ना उनको रिलीज वायर ही करना चाहिए हमको, नहीं तो ना प्रॉब्लम हो जाता है फिर ब्रीडिंग में, मतलब लड़ाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रिच के ऊपर अभी मैंने थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए बोला है एक रिसर्चर को, ताकि हमको पता चल सके उनको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता।
और अभी यहाँ पे बारिश कुछ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है और ये अभी पानी के अंदर मज़े कर रहे हैं एनिमल्स और काफ़ी खुश लग रहा है मुझे। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़े से और ऑस्टिस को लेके आए, यहाँ पे मिल रहेगा अभी जो पैसों में मिलेगा हम उसको लेके आएंगे। ये वाला वो 1200 में मिल रहा है अभी, 1200 क्रेडिट्स में, बहुत महंगा है। ये ब्लैक वाले को लेके आते हैं, अगर ब्लैक हम लेके आएंगे तो आई थिंक बढ़िया रहेगा। तो इसको अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट कर लिया मैंने ब्लैक, क्योंकि दोनों वाइट ही है ये, और कौन सा कलर होता है। ओ ये वाला भी काफ़ी अलग है, इसको भी लेके आते फिर, और दो फेमल मतलब दो रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने और दो ऑस्टिस को अडॉप्ट कर लिया, तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से सेंट टू ज़ू कर देता हूँ। मैं तो इनको सेलेक्ट करके सेंट टू ज़ू कर देते जस्ट लाइक दिस। और अभी यहाँ पे दो ऑस्टिस और आ जाएंगे, देन इनको भी देखने के लिए लोग आएंगे बहुत सारे। ये लोग किसको देख रहे हैं, वो गोरिल्ला को देख रहे हैं। और भाई एक ना एक मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है इधर, गोरिल्ला का हमने ये तो हैबिटेट तो बना दिया है, बट अभी लोग उनको देखने के लिए ही नहीं आ सकते, तो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा यार गोरिल्ला को देखने के लिए। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो ब्रिज है उसको हम थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके आएंगे ताकि लोग ब्रिज गोरिल्ला को भी देख सके। ओके, मैंने भी यहाँ पे एक रोड भी बना दिया गेमर्स, ताकि जो लोग हैं वो अभी ये वाले रोड से हमारे गोरिल्ला को देखने के लिए भी आ सकते हैं। और थोड़े से डोनेशन बॉक्सेस आई थिंक मुझे फिर इधर भी लगाने चाहिए, तो यहाँ से इसको हटा के इधर लगाते ताकि लोग इधर भी यू नो आएंगे गोरिल्ला को देखने के लिए और हमको थोड़ा सा और डोनेशन मिलेगा। इसको भी शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं। ओ भाई एक सेकेंड, इनके बच्चे भी आ गए, वो छोटे छोटे हमारे पेंगुइन आई मीन ऑस्ट्रिचेस शीशे कितने क्यूट है ये। और ये सारे प्रीमियम वाले, मतलब इनका अपील रेट बहुत महंगा है, तो भाई जब हम इनको रिलीज वायल करेंगे और बेचेंगे ना हमको बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। सो अभी हमारा बिजनेस काफ़ी बढ़िया तरीके से रन हो चुका है और इसने टोटल तो ये 4 बच्चों को पैदा कर रहा है भाई, बहुत सही है। और देखो यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं इनको देखने के लिए, हैप्पीनेस लेवल इनका सही है, नो प्रॉब्लम। और थोड़े से लोग आई थिंक आने चाहिए, एंड एक और आई थिंक गोरिल्ला आ गया, आई मीन गोरिल्ला नहीं ऑस्ट्रिच आ गया। और या इसका सब कुछ ठीक है, बस यहाँ पे एक आउटसाइडर है उसको आई थिंक मुझे रिलीज वायल करना पड़ेगा, नहीं तो ना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ये वाला आउटसाइडर था, तो इसको रिलीज वायल यहाँ से करते, देखते कितने 15 क्रेडिट्स, ठीक है भाई जा ले जिले अपनी ज़िंदगी। तो अभी यहाँ पे टोटल 3-4 ऑस्ट्रिचेस है, दोनों ने तो बच्चे भी पैदा कर दिए, तो धीरे धीरे यहाँ पे और भी सारे बच्चे आएंगे, हम उनको बेचेंगे एंड और भी सारे ढेर सारे पैसे कमाएंगे। एंड गेमर्स, मुझे नेक्स्ट एपिसोड में और कौन से एनिमल को लेके आना चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कर दो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। एंड आई थिंक आज के लिए बस इतना ही इनफ है, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे किसको लेके आना चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गेमर्स।